हैदराबाद में गुजरात के डायमंड व्यवसाय के साथ जुड़े हुए गोविंद भाई धोलकिया जी के जीवनी पर एक किताब प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक रहे हैं अरुण तिवारी जी। उन्होंने यहाँ के निवासी होने के कारण हैदराबाद में इनका लॉन्चिंग करने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काओ लव फॉर काओ फाउंडेशन के अध्यक्ष, यहाँ के फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, यहाँ के पाटीदार समाज के अध्यक्ष और अन्य संस्थाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया। इस पर अरुण जी ने अपना प्रतिभाव भी दिया, किताब के बारे में भी बोले। कई श्रोताओं ने, कई वाचकों ने भी अपने प्रतिभाव दिए और आज के इस मौके पर जितनी भी किताबें खरीदी जाएगी उसमें जितनी राशि आएगी उतनी ही राशि एसआरके फाउंडेशन के माध्यम से गौ सेवा के लिए लगाई जाएगी। ऐसे एक महत्वपूर्ण इवेंट का साक्ष बनने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं गोविंद काका धोलकिया बोल रहा हूँ। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हैदराबाद में हमारी बुक डायमंड आर फॉरएवर सो आर मॉरल का लॉन्चिंग हुआ, वो भी अपना सात्विक सेंट्रल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर श्री रूपाला साहेब का हस्त हुआ। ये किताब में महत्व क्या है तो कुछ नहीं है, सबका जैसा जीवन ऐसा ही मेरा जीवन है, मगर फर्क इतना है कि मैं गांव में पैदा हुआ,
छोटा सा गांव 104 की स्कूल, आदिवासी जीवन, खेत में रहने वाला किसान पुत्र और किसान खेत का सब काम किया हुआ आज देश विदेश में ये डायमंड का बड़ा व्यापार करके इंडस्ट्रियलिस्ट का जो मान प्राप्त किया है, आज कंपनी का कारोबार 2 बिलियन डॉलर का है और उनके हिसाब से मोर देन 100 कंट्री में हमारा डायमंड एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ कहाँ से कहाँ की जो कहानी है उसमें ये भगवान ने जो प्राप्त की है, क्योंकि मेरी मान्यता है कि फैमिली, कोई अदृश्य शक्ति और अपना मॉरल वैल्यू है, सब ट्रूथ, सत्य से सब कुछ हो सकता है। ये तीनों बात का महत्व ये बुक्स में आ गया है, तो मैं यहाँ सब हैदराबाद वासी का आभार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।